दी और आज हम आपके लिए लाए एक स्कोप की अनबॉक्सिंग और उसकी मुकम्मल वीडियो। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए हम सीधा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अनबॉक्सिंग की तरफ से। तो आज हम लाए हैं डिस्कवरी की VT-0-6-24-50 SF FFP, मतलब साइड फोकस और फर्स्ट फोकल प्लेन के साथ ये स्कोप आई है। तो ये एक इंतहाई ख़ूबसूरत स्कोप है और देखते हैं डब्बे में और क्या क्या निकलता है। तो ये एक तस्वीर निकलती है, चाहे तो आप इसे टारगेट शूटिंग के लिए इस्तेमाल करें, नहीं तो रहने दे, घर में लगा ले वाल पेपर की तरह। अच्छा, ये डिस्कवरी का ओरिजिनल कार्ड है जैसे जिस पे स्कोप की सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। ये यूज़र मैनुअल है, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, पूरी इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये कॉटन फाइबर का कपड़ा है जो कि ग्लास साफ करने के लिए काम आता है। अभी चलते हैं हम स्कोप को देखते हैं कि स्कोप का लुक कैसे और वो कैसे दिखता है। ये निकला हमारा स्कोप। तो ये इसके कैप्स है जो दोनों साइडों पे मौजूद होते हैं, आगे भी और पीछे भी। आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे नहीं लगाना चाहते तो ना लगाए, लेकिन ये अच्छा होता है, इससे ग्लास को प्रोटेक्शन मिलती है। ये इसका सन शेड्स है, अगर आपने सन शेड्स लगाने हैं तो आगे से ये वाला हिस्सा उतार के आगे ये सनशेड लगाया जा सकता है। तो ये VT-0-6-24-50 SF FFP। तो ये इसके देखते हैं, काफ़ी क्लियर और ख़ूबसूरत इसका ग्लास है। ये साइड फोकस सिस्टम है इसका लगा हुआ है, ये भी आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, इसके बग़ैर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ये लगा रहे तो लगा रहने दे, कोई मसला नहीं बनता। अच्छा, ये इसका जूमिंग पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से, जो आप 24 तक लगा सकते हैं, 6 इसका मिनिमम जूम है, 24 तक आप इसको ले कर जा सकते हैं। ये इसके टरेट से अप एंड डाउन वाले, ये लॉक सिस्टम वाले टरेट सिस्टम लगा हुआ है। आप इसको पहले ऊपर की तरफ करेंगे, फिर चाहे आप इसको किसी भी तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन पहले ऊपर की तरफ लाजमी करना होता है। जब आप इसको सेट कर दें तो नीचे की तरफ लॉक कर दें, फिर ये मूव नहीं होगी। इसी तरह ये साइड वाला है जो लेफ़्ट राइट का काम करता है, ये भी इसी तरह अप एंड डाउन होता है, मतलब आप इसको पहले ऊपर की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर इसको मूव हो सकेगा, सेट करने के बाद इसको वापस अंदर की तरफ धकेल लें। तो स्कोप बड़ी प्यारी है और आप इसको किसी भी गन पे लगा सकते हैं और ये आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। लेकिन हम इसको चेक कर रहे हैं तो हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर किसी को FFP की समझ नहीं आ रही है तो FFP की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप इसका जूम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इसका रेटिकल भी ज़्यादा होगा, और जब आप इसका जूम कम करेंगे तो इसका रेटिकल भी छोटा होता जाएगा। हाँ, सही है।